हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं पुलाव, जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट है और बनाने में सबसे इजी है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले लेना है आपको चावल। चावल को कुछ आधे घंटे के लिए भिगो के रख देना है, कुछ इस तरह से पानी डाल के। इसके बाद लेना है आपको जो प्याज है, प्याज को इस तरह से काट लेना है। हरी मिर्च हो गया, इसके बाद आपका लौंग हो गया, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, ये हो गया आपका तेजपत्ता। इसके बाद हमारा चावल हमारा बिक तैयार हो गया पूरी तरह से। इसके बाद निकाल लेना इसका। इसके बाद आप कर देंगे गैस ऑन, पतीले को थोड़ा गर्म होने दे कुछ इस तरह से। इसके बाद उसमें डाल देना आपको तेल, हमने रिफाइंड तेल का यूज़ किया, आप चाहे सरसों का भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद डाल देना आपको जो प्याज है, प्याज इस तरह से डाल देना कुछ इस तरह से। प्याज को थोड़ा पकने दे, थोड़ा इलायच को मिक्स करे। या ये हो गया हमारा गोल्डन रंग का। गोल्डन रंग का होने के बाद इसको उठा लेना है कुछ इस तरह से। सारे प्याज को अच्छे से उठा लेना है। इसके बाद हमने जो तेल यूज किया है उसी में आपको जो आपका हरी मिर्च है, दालचीनी है, ये आपको तोड़ तोड़ के डाल देना है कुछ इस तरह से। इलायची, लौंग, सारे ऐसे तोड़ तोड़ के डाल देना है। आपका तेज पत्ता हो गया। इसके बाद जो हमारा चावल है, चावल को हमने भिगो के रखे थे, निकाल लिया था, उसको आप डाल देना है कुछ इस तरह से। हल्का सा मिक्स करें इसको, 2 मिनट पकने दे। 2 मिनट पकने के बाद ये अब कुछ पीले रंग का हो जाएगा, देखो कुछ इस तरह से। इसके बाद डाल देना आपको पानी। हमने 1 किलो चावल यूज किया है, आप चाहे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। 1 किलो के हिसाब से आपको 2 किलो पानी डालना है इसमें, ताकि आपका जो चावल है पूरी तरह से पक जाए अच्छे से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, पुलाव। इसके बाद आपका पानी तैयार हो गया। इसके बाद डाल देना है उसमें थोड़ा सा नमक। नमक डालने के बाद इसको 5 मिनट के लिए ढक दे कुछ इस तरह से। 5 मिनट हो गया, 5 मिनट पकने दे। 5 मिनट के बाद करना है आपको मिक्स। फिर से ढक देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद ये पूरी तरह से पानी सूख चुका है, अब पूरी तरह से रेडी हो चुका है हमारा पुलाव। इसके बाद डाल देना ऊपर से प्याज जो हमने पहले सबसे पहले भून के रखे थे, वही डाल देना इसमें। इसके बाद गैस को हल्की आंच पे पकाना है इसको 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद ये हमारा पूरी तरह से रेडी हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।